वेरी गुड मॉर्निंग और आज है संडे तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट। हाँ तो मैं आर्मा के लिए एक अंडा बॉईल कर रही हूँ, तो काफी टाइम बाद खा रहे हैं, नहीं तो हाँ काफी टाइम हो चुका है। और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट, अंडे जो ब्रेड होते हैं ना अंडे से डिप करके उसको उसके टोस्ट बनाने, आज ये खाएंगे हम। और गर्मी लग रही है क्योंकि हवा तेज तो चल रही है पर गैस ना बुझ रही है, तो मैंने ना गेट बंद कर दिया, तो हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। चलिए बनाना शुरू कर देते हैं और टाइम हो रहा है 10:15। मैंने अंडों को फोड़ लिया है, मतलब तोड़ लिया है उसको, तो 3 अंडे मैंने लिए हैं और 4 थे ना क्योंकि मुझे एक मैंने अर्ना को दे दिया है उबाल के, तो मैंने इसमें लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ये दोनों ऐड करके और अच्छे से मैं इसको फेंट लूँगी। और मैं इसको फेंटने के बाद ना, तो जो फ्रेंक पैन है ना वहाँ वो गैस पर रखा हुआ है, तो मैंने वहाँ गैस भी जला दिया है, उसमें थोड़ा सा मैं तेल है रिफाइंड है वो भी ऐड कर दिया है मैंने उसमें। और यहाँ पर मैं ब्रेड लूँगी, तो ब्रेड मैं 2 लूँगी एक साथ ही क्योंकि, और उसके मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी, मतलब 4 पीस कर लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए ये 2 ब्रेड हैं, तो 8 पीस हो चुके हैं इसके। और जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो बस ब्रेड को इसमें डिप करके अंडों में और फ्रेंक पैन में लगा रख दूँगी, तो बस ये सीख जाएंगे। मैं ऐसे बनाती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। नाश्ता कर चुके हैं, तो बस मैं यहाँ पर अपने जो नाश्ते वाले बर्तन हैं वो उनको साफ़ कर लूँगी और उसके बाद पूरी किचन को साफ़ करने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। और लंच में मैं आज बनाऊँगी बीन आलू और बीन्स, तो मैं आज ये बनाने वाली हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था तो बीन्स अच्छी लगती हैं, तो सोचा चलो आज मैं यही बनाती हूँ। बीन्स रखी हुई हैं कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कल ये लेकर आए थे ना धो दी थी, क्योंकि बीन्स ऐसी होती है ना कि वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो बीन्स हैं वो मैं उनको काट रही हूँ, तो काट लिए हैं, तो 2 आलू ले लिए हैं, उनको भी मैं छील लूँगी, तो उस आलू को भी छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और उसके बाद जो
टमाटर लहसुन जो भी होते हैं वो मैं काट लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्जी। आप सब कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ और अच्छी भी बनती है। हाँ, सिंपल सब्ज़ियाँ जितनी भी हो ना बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं आलू भी छील ही रही हूँ। तो देखिए, जो तेल है सरसों का तेल ऐड कर दिया, इतना गर्म हो गया था कि मैंने गैस को भी मैंने बंद करा। तो इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, और उसके बाद जब लहसुन अच्छे से तड़क गया है ना तो मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया। तो बस इसको मैं चला लूँगी, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी ना प्याज, और उसके बाद जितने भी सारे मसाले होते हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। इससे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, उनको मैंने ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से चलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। और देखिए ये कितने अच्छे से जो है ना मसाला पक जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और पता है सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इसको बस चला के जो आलू और बीन्स है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो मतलब ये जो सब्ज़ी है मेरी एक कटोरी बनी थी, तो हम दोनों के लिए तो बहुत है एक कटोरी सब्ज़ी। पता कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी अगर सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है ना, मतलब बहुत थोड़ी बनती है तो बहुत अच्छी बनती है ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मैंने इसमें छिड़काव कर दिया है ताकि जो सब्ज़ी है वो नीचे से लगे नहीं। और कुकर को मैंने बंद कर दिया है। फिर मैं आ गई अपने पूरे घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि पहले मैंने नाश्ता मतलब लंच सब्जी बना ली थी लंच के लिए, फिर सोचा चलो मैं साफ़ कर लेती हूँ घर। तो शाम का टाइम हो चुका था और यहाँ मैं और आरना खेल रहे हैं। तो खाना वाना खा के हम थोड़ा सा मतलब बैठ गए थे, न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। फिर आरना बोल रही थी कि खेलने के लिए, फिर इसके लिए मतलब इसके साथ खेल रही हूँ मैं। और मैंने जो लैगी पहनी हुई थी वो मैंने उतार दी थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। और फिर चाय तो बनाई नहीं थी तो मैंने शिकंजी बनाई थी, और जो ऊपर की जो कुर्ती थी वो मैंने चेंज कर ली थी। आज इतनी गर्मी लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है आज, मैं बता नहीं सकती, बहुत गर्मी थी। तो यहाँ फिर मैंने शिकंजी बना ली थी, और मुझे सच सच बताऊँ मुझे जो खट्टा है बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं जो बोलते हैं ना, पर मजबूरी में पीनी पड़ रही थी मुझे। बहुत ज़्यादा मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी थी ताकि जो खट्टापन है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, मुझे लगे ही नहीं। तो यहाँ मैं वो सब कर रही हूँ, और पर्दे वर्दे खोल दिया है ताकि जो रोशनी है वो अंदर तक आ जाए। धूप आई थी तो मैंने सुखा दी थी, तो अब सूख गई है पूरी गीली, पता नहीं कैसे हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले नींबू पानी पिया है। गर्मी देखो कितनी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है बहुत। इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, मैंने कहा मुझसे नहीं बैठा जाने जा रहा, और मैंने बाल भी फोल्ड कर लिए, इतनी गर्मी लग रही है। क्योंकि सुबह मैं सोच रही थी कि चलो मैंने सूट पहना है थोड़ा, तो मैं वो कर लेती हूँ, एक चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट आई हुई थी कि वाली चोटी बनाना, उसका नाम भूल गई इस वाली चोटी का। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी गर्मी लगी ना मुझे कि मेरा मन ही नहीं करा करने का। तो ये कह रहे थे जब मौसम थोड़ा ठीक होगा ना तब कर लेना, और बहुत गर्मी लग रही। मैं उनसे कह रही थी कि आज मेरा मन कर रहा है कि अपने बाल कटवा लो इतने इतने,
तो मैंने इसलिए ऐसे फोल्ड कर लिए, बहुत गर्मी लग रही है। और दोपहर में खाना खा के ना हम बस बैठी थे तो न्यूज़ आ रही थी कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो है ना उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुन के मुझे बहुत शॉक हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया, मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो 6 महीने से डिप्रेशन में चल रहे थे। तो अभी ये दिखा रहे हैं न्यूज़ में, अभी भी आ रहा है, तो अभी भी हम बैठ के भी वही देख रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में क्या बनाऊँगी, दाल चावल बनाऊँगी, हल्का ही खाने का मन कर रहा है दाल चावल। और टाइम हो रहा है 6:30। कल जितना अच्छा मौसम था ना, आज उतना ही बेकार वाला मौसम है, बहुत गर्म है, बहुत पता नहीं कब बारिश आई। कल बारिश ही नहीं आई, इसलिए मैंने कल जो मैं बोल रहा पकौड़े बनाऊंगी, मैंने पकौड़े नहीं बनाए, बारिश आई नहीं, फिर मेरा मन नहीं करा बनाने का पकौड़े। मैं जाती हूँ, बनाती हूँ दाल चावल बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ, खाना वाना खा के बात करूँगी। आज सोचो थोड़ा जल्दी खाना वाना खा के जल्दी सो जाए, क्योंकि अभी ना मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ गई थी ना इसलिए। चलिए मैं बना लेती हूँ, काम खत्म कर लेती हूँ पहले अपना। और ये वही वाली टी शर्ट जो मैं विशाल से लेकर आई थी ना, अच्छी लग रही है। तो आरना को भूख लग रही थी कि मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए ना एक आलू का फ्रेंच फ्राई बना देती हूँ। और यहाँ बस एक आलू ले लिया है, तो इसको मैंने इस तरीके से कट लिया और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत आराम से बहुत पतले पतले इसमें से आलू निकल कर आ जाते हैं। तो मैंने इसमें एक पेपर में, किचन पेपर होता है, उस पर मैंने रख लिया है आलू, ताकि जो इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो अच्छे से निकल जाए। तो मैं उसका पानी अच्छे से सोख लूँगी इसी वाले पेपर में। और ये बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं आरना के लिए बनाती हूँ, कभी उसको भूख लगता है तो खा लेती है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैं फिर इसको फ्राई करूँगी। और सॉरी मैं आगे का कोई कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने मतलब वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करा। और जो तेल इसमें मैंने ऐड कर दिया है तो ये गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं पहले हल्का सा पहले फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर जब तेल को हाई फ्लेम पे करके फिर मैं दोबारा करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये हाई फ्लेम पर करके ये मैंने निकाल दिया है। और इसको मैं दोबारा से टिश्यू पेपर से जितना भी तेल एक्स्ट्रा ऑयल है उसको मैं सोख लूँगी इस तरीके से। और उसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत क्रंची बना था, बहुत बहुत अच्छे बने थे। और तो इसमें ये देखिए काला नमक है और नॉर्मल नमक है, इनको मैंने मिक्स कर लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। तो ये बन के तैयार है आरना के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।